हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली होगी। कुछ बच्चों ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चेक करवाया है, एक दो बस स्टूडेंट्स है जिन्होंने चेक नहीं करवाया है। टेस्ट दिए थे, उन टेस्ट का भी रिप्लाई नहीं आया है, विशेषकर बॉयज में। और कुछ गर्ल्स भी हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं चेक करवाए हैं। कुछ वाइज का जो कि प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको, कि उन्होंने कहा है कि सर रिवीजन करवाना है, तो मैं अभी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीक में हम पार्टनरशिप को अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लें। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा था, नहीं कोई टॉपिक किया था या छूट गया था गलती से, तो उसको रिवाइज करिए, रिकैप करिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करिए। देखिए बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन क्लासेस। तो मैंने यहाँ पर डाला है कि रिवीजन क्लासेस हमारी, रिवीजन क्लासेस के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, अब अपना आगे का जो पोर्शन है वो हम करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नए सिरे से, जो कि पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन और पार्टनरशिप से ही हम करने के लिए जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ने ध्यान से देखना है, रिवीजन हो जाएगा उनका। भाई देखिए बेटा, आप करते क्या हो कि पार्टनरशिप अकाउंट्स को पढ़ने से पहले आपने 11th में क्या किया, आपने जर्नल प्रोसेस देखा पार्टनरशिप का। तो जर्नल एंट्रीज आपने स्टार्ट की थी, फिर सब्सिडियरी बुक बनाई, जर्नल एंट्रीज में आपने एंट्रीज को रिकॉर्ड किया था कि भाई कैसे आप कोई भी काम करते हो उसको रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको सिस्टमेटिक रूप से उससे रिलेटेड बुक्स में डालते हो, यानी कि सब्सिडियरी बुक्स बनती है। कि परचेज है तो परचेज बुक में, सेल्स बुक में सेल्स, रिटर्न परचेज रिटर्न, और अदर जो सब्सिडरीज बुक्स होती है उनमें आपने डाला। फिर उनके लिए क्या बनाया, लेजर बनाया, कि हर एक पर्सन का, हर एक आइटम्स का क्या बना, लेजर बना, जिसमें आपने फाइनली देखा कि उसका कितना बैलेंस है। फिर उन सभी को बैलेंसेस को ट्रायल में लेके गए, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो आपको क्या मिला, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट मिला, ग्रॉस प्रॉफिट से आपको नेट प्रॉफिट मिला, और वही नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स यानी कि जो एप्रोप्रिएशन मिल जाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसके लिए बनता है, कि उस प्रॉफिट का बंटवारा। एप्रोप्रिएशन का मतलब बेटा मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, कि उस प्रॉफिट का बंटवारा करना। और प्रॉफिट का बंटवारा कौन कर, किसके लिए किया जाता है, पार्टनर्स के लिए। तो इसलिए क्या हो गया, पार्टनरशिप अकाउंट में ये इंक्लूड होगा। तो पहला ही पॉइंट हमारा बनेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर देखेंगे कि उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। फिर बनने के बाद इनके कैपिटल के थ्रू हम क्या बनाएंगे, उनकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये हमारे फाइनेंस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यही काम हमने अपनी पूरी पार्टनरशिप फर्म में करना है, जो अकाउंटिंग हम बनाएंगे उसमें। ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है, और पार्टनरशिप का मीनिंग, उसकी फीचर्स, डीड, और डीड ना हो तो हम वो कहाँ से काम होगी। तो मैं बहुत ही फास्टली और रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत डीपली कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, स्कूल में कर चुके हैं, ये क्लास लीग में हमने देखा था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हमारे पास इंडियन जो रूल्स बने हुए हैं, जो एक्ट बने हुए हैं, उन एक्ट में पार्टनरशिप एक्ट के नाम से, यानी कि जो कि 1932 में बना था, उसके सेक्शन 4 में साफ साफ लिखा हुआ है इसके डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्संस, कुछ पर्संस होते हैं उनके बीच में संबंध होता है, रिलेशंस होता है, हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। वो अपने प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, एग्रीड करते हैं, और कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसमें क्या करते हैं वो फिर उस बिजनेस को एक्ट करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाते हैं उसमें। सभी या उनमें से कोई भी एक्ट कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है बेटा, फिर क्या था कि फीचर्स देखी थी हमने, क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होनी चाहिए टू और मोर पर्संस की, दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप में, उनकी डीड होनी चाहिए यानी कि किस तरह काम करेंगे, वो एग्रीमेंट होना चाहिए,
बिजनेस लीगल होना चाहिए, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होनी चाहिए। तो ये क्या थी इनकी फीचर्स थे। फिर हम बात करते हैं पार्टनरशिप डेट। तो ये सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन जिसमें लिखे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं पार्टनरशिप। तो मैंने आपको बताए थे 15-20 मिनट थे कि उस बिजनेस का नेचर क्या होगा, नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, पार्टनर्स के एड्रेस क्या होंगे। उसके अलावा फिर मैंने बताया था आपको कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उनकी कैपिटल क्या होगी, इंटरेस्ट हम कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, कितनी लिमिट रहेगी, ड्रॉइंग्स कितनी होगी, ड्रॉइंग की लिमिट होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, उनके काम करने का पीरियड, उनका नेचर, उनका जो भी अकाउंट्स बनाने का तरीका, उनका अकाउंटिंग जो पीरियड होगा वो कौन सा होगा, उसके अलावा ऑडिट कैसे होंगे, डिस्प्यूट्स कैसे सेटल किए जाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स थे, तो ये डिसाइड करते हैं कि हमने बिजनेस को कैसे लेके जाना है। तो नॉर्मली हम बात करें तो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है बिजनेसेस में। अगर नहीं बनती है तो हम किसके साथ चलते हैं, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट होता है उसके साथ चलते हैं। यानी कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तो क्या काम होंगे हमारे पास, ये कुछ पॉइंट्स हैं इनके बेसिस पर। तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे कितने भी पार्टनर हैं, उनको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ना इंटरेस्ट ऑन एडवांस, जो सॉरी इंटरेस्ट ऑन एडवांस का मतलब लोन। तो लोन पर हमेशा क्या दिया जाएगा, 6% के रेट से पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, रेमुनेशंस जो वर्क है वो नहीं दिया जाएगा, अगर कोई काम कर रहा था उसके बदले में उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारे पास पार्टनरशिप डीड, और डीड ना हो तो क्या करना होगा जो कि आप अच्छे से जानते हो। फिर हमारे पास पॉइंट आता है कि हम जब कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल बनेगी हमारी, वो कैपिटल क्या होती है, हम जो अकाउंट बनाते हैं टू टाइप से होते हैं, क्योंकि कुछ पार्टनर चाहते हैं कि भाई हमारी जो पूंजी लगी है, जो पैसा लगा है वो सेफ रहे, अगर कुछ लॉस होता है तो वो अलग से देंगे और प्रॉफिट होता है तो उनको दे दीजिए। वो अपने पैसे को चेंज नहीं करना चाहते, उतना ही रखना चाहते, तो उसको बोलते हैं हम फिक्स कैपिटल। और कुछ पर्सन चाहते हैं कि भाई अगर लॉस होता है तो कैपिटल से ले लिया जाए, प्रॉफिट होता तो कैपिटल में डाल दिया जाए, तो वो भी फ्लेक्चुएटिंग। जैसे फिक्स की बात आती है तो फिक्स के साथ हमने फिक्स तो बनाना होगा, साथ ही क्या बनाना होगा, करंट अकाउंट भी बनाना होगा। देखिए तो ये फिक्स कैपिटल का फंडा है कि आपने क्या किया कि आपके पास जो भी पैसा था ये आपने और लगाया, या आपने अपने बिजनेस कैपिटल से निकाल लिया, तो जो बचेगा वो क्या बचेगी, आपकी कैपिटल बचेगी। तो ये तो है आपके पास फिक्स जो कैपिटल है। इसके अलावा इसके साथ साथ हमने क्या बनाना पड़ेगा, इसका करंट अकाउंट। अब जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज यहाँ पर हमारे काम आएंगे। तो इनका ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई सैलरी या कमीशन ले रहा है तो वो डलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डलेगा, कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो डलेगा, अगर इनके अलावा उन्होंने कोई ड्रॉइंग्स यानी कि उन्होंने पैसा निकाला है अपनी कैपिटल में से, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, लॉस हुआ है तो लॉस इधर, और लास्ट में क्या बच जाएगी, उसकी कैपिटल ये बच जाएगी। यानी कि ये करंट अकाउंट है, कैपिटल तो हमने यहाँ बना दिया, तो उनका ये पैसा क्या रहेगा, इतना पैसा यहाँ पर वो रखेंगे कि भाई इतना पॉजिटिव है तो उनका प्लस हो गया, और अगर हो सकते इधर आए तो वो नेगेटिव होगा, वो उन्होंने ला के देना होगा। क्लियर है बेटा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में क्या होता है कि दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है, कैपिटल जो है उसी में बैलेंस, अगर वो और डाल दे तो यहाँ आ जाएगी सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होगा। तो ये सेम एज इट इज, इधर की साइड ड्रॉइंग्स बैंक निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लॉस होता है तो लॉस, और फिर ये बच जाती है आपके पास। अगर इस साइड की बचती है तो पॉजिटिव, इस साइड की बचती है तो नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास सिंपली क्या था, कैपिटल अकाउंट। फिर हमारे पास मेन आता है उनका, जो हमने अभी भी देखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा बेटा, ध्यान से समझना। सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बनाया, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वो नेट प्रॉफिट हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। नेट लॉस होगा तो वो इधर आ जाएगा। फिर जो भी पार्टनर्स ड्रॉइंग्स देंगे तो वो पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस के लिए इनकम का पार्ट होता है। ठीक है, अगर पार्टनर्स का करंट लॉस यानी कि ये बात करते हैं हम, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अगर लॉस होगा तो इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कमीशन देंगे, रिजर्व्स वगैरह बनाना है तो ये देखेंगे, अगर इस साइड का ज्यादा है तो हमारे पास पार्टनर्स का प्रॉफिट बच जाएगा, जो कि उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर इस साइड का ज्यादा आता है, इधर बचता है, तो ये लॉस होगा। ठीक है बेटा, तो इस बेसिस पर हम क्या बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जो जो क्या क्या होंगे, अगर हम क्या करते हैं कि कुछ भूल जाते हैं, कुछ लॉस होता है तो उस चीज में हम कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग देना भूल गए,
या हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज्यादा दे दी, कम देनी थी वो रह गए, सैलरी देनी थी नहीं दे पाए, प्रॉफिट रॉन्ग बांट दिया गया, तो उसमें एडजस्टमेंट को देखेंगे। तो एडजस्टमेंट कैसे होंगी कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं एडजस्टमेंट चार्ट बना लेंगे। या मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपने गलत दे दिया उसको डेबिट कर लो, उस जो सही देना था उसको क्रेडिट कर दो, ये फंडा भी ले सकते हो या सिंपली भी। तो जो उनकी कैपिटल थी जैसे उनको प्लस किया, फर्म में से माइनस हो जाएगी। पार्टनर्स को कैपिटल, फर्म में से माइनस ड्रॉइंग्स, यहाँ इन सब के माइनस, फर्म में प्लस कर दो। ठीक है, फिर इन सब का जो भी टोटल आता है उस टोटल को क्या, जैसे यहाँ पर माइनस का है तो इन सब में वो बांट दीजिए, और जो रियलिटी में बांटना था वो जो गलत दे दिया वो माइनस कर दीजिए, अब जो बचेगा वो उनको दे दीजिए। प्लस का मतलब क्रेडिट है, माइनस का मतलब डेबिट है। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो ये पॉइंट्स है, तो इसमें आप क्या करोगे, हर पॉइंट्स के दो दो क्वेश्चंस आप करोगे, फिर गारंटीड ऑफ ए प्रॉफिट पार्टनर आता है जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ, करवा चुका हूँ। गारंटी ऑफ पार्टनर में क्या आएगी, किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है तो गारंटी में वो सभी पार्टनर्स को हो, तो एक पार्टनर क्या करेगा उनमें से, गारंटी गिव बाई ऑल पार्टनर, यानी कोई नया पार्टनर लिया या किसी एक पार्टनर को गारंटी दी गई तो उसमें सभी पार्टनर अपने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उसको वो अगर डेफिशिएंसी आती तो वो देंगे, कोई एक देता तो उसी के में से जाएगी, एक से ज्यादा देते तो उसके में से जाएगी। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ तक होता है। तो मैंने आपको थोड़ी सी समरी बताई है, इसको आपने हर एक टॉपिक के दो दो क्वेश्चंस करने हैं, लगभग लगभग आपके पास इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आप करोगे तो रिवीजन हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी क्वेश्चंस करते टाइम प्रॉब्लम आती है तो उसकी फोटो खींचेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और मैं उसको सोल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपने आज पहला चैप्टर का रिवीजन करना है, पूरा करना है, फिर मैं आपको इसका टेस्ट भी दे रहा हूँ, यानी जो क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन करोगे, जो नहीं आते हैं वो आप मेरे को भेजोगे। ठीक है, पहले वीडियो देखोगे फिर वो क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सभी स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो चेक करवाएंगे और बताएंगे मुझे कि सर समझ में आया और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है।